92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुमार साहब ऑफिस पहुंचे ही थे कि उन्हें एक अननोन नंबर से मैसेज आया। लिखा था, गेस करो मैं कौन, फिर आज का लंच मेरी तरफ से। साथ में रेस्टोरेंट का नाम था। कुमार साहब को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है। वो फिर से बिजी हो गए। लंच के वक्त उन्हें फिर उसी नंबर से फोन आया। फोन पर जो आवाज आई उसे सुनकर कुमार साहब उस शख्स को पहचान गए। बोले, अरे गौतम तू, सालों बाद किधर है, कहाँ है? गौतम ने कहा, चल चल फटाफट रेस्टोरेंट आजा, सब बताता हूँ। कुमार साहब रेस्टोरेंट के लिए निकले और रास्ते में सोचने लगे। 20 साल पहले वो और गौतम एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव लगे थे, फिर साथ में रूम शेयर किया और फिर एक दिन गौतम चला गया। कुमार साहब ने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन गौतम से कांटेक्ट नहीं हो पाया। आज 20 साल बाद वो मिलने आया, जाने कहां गुम था। आखिर क्यों मिलने आया गौतम कुमार साहब से, क्यों अचानक वो गायब हुआ था, जानिए इस गाने के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, कुमार साहब को एक अननोन नंबर से कॉल आया। ये उनका दोस्त गौतम था जो 20 साल बाद आया था। आज उसने कुमार साहब को लंच पर बुलाया और मिलने पर कुमार साहब को सब बताने को कहा। अब आगे, कुमार साहब रेस्टोरेंट में पहुंचे, दोनों दोस्त गले मिले। क्या खुशी थी, बातें जहां रुकी थी वहीं से शुरू हो गई। टेबल पर गौतम ने जब अपना विजिटिंग कार्ड रखा तो एग्रो कंपनी फाउंडर के नीचे गौतम का नाम पढ़कर कुमार साहब हैरान हो गए। गौतम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोले, वाह गौतम, ग्रेट अचीवमेंट यार। ये सुनकर गौतम ने कहा, 20 साल लग गए कुमार, 20 साल याद है अपना वक्त। कुमार साहब को अच्छे से याद था वो गुजरा वक्त जब कुमार साहब और गौतम एक साथ एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव लगे थे, रूम भी शेयर करते थे। उस वक्त दोनों ने अपनी खुद की कंपनी बनाने का ख्वाब देखा था। लंच करते हुए गौतम ने बताना शुरू किया कि कैसे वो अपने गांव की एक छोटी सी जमीन बेचकर न्यूजीलैंड गया और वहां एग्रो फार्मिंग से जुड़ा। शुरू में वो सिर्फ प्लांटेशन वर्कर था मगर धीरे धीरे उसने सब हासिल किया। लंच खत्म हो चुका था। कुमार साहब बोले, पर तूने बीच में कभी कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? गौतम ने कहा, क्या बताता क्या कर रहा हूं, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और यार फिर ऐसा सरप्राइज कैसे देता तुझे? कुमार साहब ने पूछा, शादी की या अभी तक बैचलर? जवाब में गौतम सिर्फ हंसा। तब कुमार साहब ने कहा, घर आजा बच्चों से मिलवाता हूं, श्रेया भी मिलकर खुश होगी। इस पर गौतम ने कहा, ऑफ कोर्स घर आऊंगा, शाम को तेरे ऑफिस के नीचे मिलते हैं। ये सुनकर कुमार साहब ने पूछा, वैसे गौतम तुझे मेरा नंबर, ऑफिस, ये सब कैसे पता चला? दोस्तों से मिलो ना मिलो उनकी खबर तो रखनी पड़ती है ना कुमार? कुमार साहब उठकर जाने ही वाले थे कि पीछे से गौतम की आवाज आई। कुमार, 20 साल पहले तूने मेरे साथ ट्रेन पकड़ी होती तो आज फाउंडर के सामने तेरा नाम भी होता इस विजिटिंग कार्ड पर। कुमार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, शाम को मिलने की बात कहकर चले गए। 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, जानिए इस गाने के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, 20 साल पहले कुमार साहब और गौतम ने साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ज्वाइन की थी, फिर गौतम गायब हो गया। आज उसने कुमार साहब को लंच पर बुलाया और कहा कि उसके विजिटिंग कार्ड की तरह कुमार साहब का नाम भी कंपनी के फाउंडर के आगे लिखा होता। अब आगे,
कुमार साहब जब वापस ऑफिस पहुंचे तो उनका मन काम में नहीं लगा। वो 20 साल पहले की उस शाम को याद करने लगे जब वो और गौतम अपने रूम पर ऑफिस से आए थे। मैनेजर ने उन्हें टारगेट्स के लिए पुश किया था। उस शाम गौतम ने कहा था, कुमार हम कब तक दूसरों के लिए काम करेंगे, अपनी खुद की कंपनी बनाने का ख्वाब पूरा करने का यही वक्त है। तब कुमार साहब ने कहा था, पर गौतम बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होंगे। और वो बात वहीं खत्म हो गई। उसके कुछ हफ्ते बाद गौतम गांव गया और अपने हिस्से की जमीन बेच दी और कुमार साहब से कहा कि वो भी अपने हिस्से का मकान बेच दे और पैसे लेकर उसे स्टेशन पर मिले। कुमार साहब ये नहीं कर पाए। उस दिन वो स्टेशन पर आए लेकिन गौतम से अलविदा कहने। गौतम ने तब भी उनसे कहा था, कुमार पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तू बस मेरे साथ चल, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। पर कुमार साहब अपनी जॉब छोड़कर नहीं जा पाए और गौतम चला गया। शाम के 6 बजे कुमार साहब ऑफिस के नीचे आए, गौतम उनका वेट कर रहा था। दोनों घर की ओर निकले। कुमार साहब उस शाम अपने फैसले के लिए बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए। घर पर कुमार साहब ने गौतम को मिसेस कुमार, आदि और जिया से मिलवाया, काफी बातें बताई। गौतम ने गुजरे दिनों की सारी बातें श्रेया और बच्चों के सामने रख दी। डिनर के बाद दोनों दोस्त बालकनी में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तब गौतम ने कहा, कुमार आज मैं जो भी हूं तुम्हारे दिए गुरु मंत्र की वजह से हूं। ये सुनकर कुमार साहब हैरानी से बोले, मेरी वजह से? वो कैसे? मैं तो तेरे साथ चल भी नहीं पाया था। गौतम ने अपनी कामयाबी का श्रेय कुमार साहब को क्यों दिया? क्या था वो गुरु मंत्र? जानिए इस गाने के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना, 20 साल पहले कुमार साहब और गौतम ने साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ज्वाइन की थी। फिर गौतम गायब हो गया। आज वो कुमार साहब से मिलने आया। वो एक एग्रो कंपनी का मालिक है। अब डिनर के बाद उसने कहा कि आज वो जो भी है वो कुमार साहब के दिए गुरु मंत्र की बदौलत है। अब आगे। कुमार साहब अब भी गौतम की ओर देख रहे थे। उनके सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला था। आखिर क्या गुरु मंत्र दे दिया था उन्होंने जिसकी बदौलत आज गौतम ने अपना ख्वाब पूरा किया? गौतम ने कॉफी पीते हुए कहा, याद है कुमार, जब मैं अपनी कंपनी शुरू करने की बात करता तो तुम कहते थे, गौतम जो अपने ख्वाबों से सच्चा प्यार करता है वो हर जोखिम उठाकर उसे पूरा करता है। कुमार साहब को याद नहीं आया। गौतम ने कहा, तेरी एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर बन गई, तू बस हां कर, मैं तुझे पार्टनर बनाने के लिए रेडी हूं। कुमार साहब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, अपने सपनों को मैं खुद पूरा करूंगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो तेरी मदद जरूर लूंगा। अगली सुबह गौतम वापस चला गया और कुमार साहब भी अपने ऑफिस वापस आ गए, लेकिन इस विश्वास के साथ कि अगर उनको अपने ख्वाब से सच्चा प्यार है तो जरूर पूरा कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, सच है, प्यार में बड़ी ताकत होती है, ख्वाबों को सच्चा करने की ताकत भी होती है। ये बात कुमार साहब ने बोली, लेकिन गौतम ने कुमार साहब को समझाई। जीवन की सीख वाला एक किस्सा लेकर कल फिर आऊंगा 92.7 बिग एफएम पर। मैं सौरभ राज जैन अर्थ में।